नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो हमने ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यहां से हमें स्टार्ट करना है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेलुसेक्स लॉ। तो इन तीनों में आपको ये शॉर्ट में आपको याद रखना है, पहले से ये सब हमने पढ़ा हुआ है कि बॉयल्स लॉ में टी कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाकर आप खुद देख सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसमें अगर फर्स्ट में क्या रखना है, टी कांस्टेंट रखना है, बॉयल्स लॉ में टी कांस्टेंट, तो टी कांस्टेंट जैसा ही होगा तो ये दोनों तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, एन और आर ऑलरेडी कांस्टेंट क्वांटिटीज है, नंबर ऑफ मोल्स, और ये गैस कांस्टेंट है आर। फिर पीवी इक्वल टू एनआरटी में ये तीनों कांस्टेंट हो गए टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पे बॉयल्स लॉ में, तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाता है, पी इक्वल टू वन बाई वी ऐसा हो गया, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। फिर चार्ल्स लॉ में हमने क्या देखा था कि पी कांस्टेंट रखना है, दूसरे वाले में पी कांस्टेंट रखना, तो पी कांस्टेंट रखने से टेम्परेचर वॉल्यूम में क्या रिलेशन बनेगा, तो फिर से पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी में पी अगर कांस्टेंट कर दें तो ये वॉल्यूम और ये टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि ये दोनों एन और आर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया चार्ल्स लॉ में। वैसे ही गे-लुसैक्स लॉ में क्या होता है, इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो टी और पी में रिलेशन देखेंगे, तो टी और पी में क्या होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी यहां भी लिख देंगे, और इस बार क्या कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, तो पी और टी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है, इसमें अगर मैं इसके लिए करूं वॉल्यूम के लिए पहले, वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, यानी प्रेशर कांस्टेंट, यानी चार्ल्स लॉ के बारे में कर रहे हैं, तो किसी भी टेम्परेचर टी पे, यहाँ पे 2 डिग्री मैंने लिया है, तो 2 डिग्री टेम्परेचर पे अगर वॉल्यूम पूछेगी क्या होगा, तो 0 डिग्री पे जितना वॉल्यूम है ना वी नॉट, उतना इंटू 1 + 2/273.15 ये आता है फॉर्मूला। तो इसको एलसीएम लेंगे 273.15 को, तो 273.15 + 2 ये टेम्परेचर क्या आ जाएगा, केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा 273.15 + 2, तो केल्विन में टेम्परेचर, और यहाँ पे वी नॉट बाई टी नॉट टर्म्स आ रहा है, ये वी नॉट बाई टी नॉट देखिए टर्म्स आ रहा है, तो वी प्रोपोर्शनल टू टी तो हो रहा है, वी प्रोपोर्शनल टू टी, लेकिन जो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है वो क्या है, वी नॉट बाई टी नॉट। अब वी नॉट क्या है, वी नॉट है 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना वॉल्यूम है उस गैस का, वो बताना है 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना वॉल्यूम है, और ये टी नॉट क्या लिखना है, 273.15 लेना है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये, तो इस तरह से वी प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। वैसे ही प्रेशर के लिए इक्वेशन आता है पी प्रोपोर्शनल टू टी, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ये दोनों टर्म है, पी नॉट बाई टी नॉट। पी नॉट क्या है, पी नॉट है 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना प्रेशर है उस गैस का, कितना प्रेशर है वॉल्स के ऊपर, और टी नॉट वही 273.15 है इसका वैल्यू, और आइडियल गैस इक्वेशन हो गया पीवी इक्वल टू एनआरटी, राइट। तो अब हम लोग ये करने वाले हैं डेरिवेशन कि आखिर ये वॉल पे कितना प्रेशर लगाते हैं ये गैसेस। इसमें हमने एजम्पशन ले लिया कि क्या कंसीडर करना है हम लोगों को, केटीजी में मॉलिक्यूल्स के कौन से बिहेवियर को कंसीडर करना है और कौन से बिहेवियर को नेग्लेक्ट करना है। अब आइए डिराइव करते हैं कि ये गैसेस वॉल्स पे कितना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। अब इस पार्ट में मुझे डेरिवेशन करना है प्रेशर एग्जर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस ऑन वॉल। तो यहाँ पे वॉल कौन सा हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये लेफ्ट एंड वाले वॉल को कंसीडर किया जा रहा है, इस वॉल को। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर दे रहा हूँ कौन सा वॉल यहाँ पे कंसीडर करना है हम लोगों को डेरिवेशन में, मैं इस वाले वॉल को कंसीडर कर रहा हूँ, राइट, यहाँ जो इंडिकेट किया हुआ है ऐसे, ठीक, ये फेस दिख रहा होगा आपको, ये वाला फेस कंसीडर कर रहा है। तो इस फेस पे क्या हो रहा है, ब्लैक, एक समझिए मॉलिक्यूल है, एक ब्लैक डॉट जो मैंने दिया हुआ है स्पॉट जैसा, वो एक मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल इधर की तरफ आ रहा है, पी इनिशियल इसका किधर है, लेफ्ट टू राइट की तरफ है, यानी ये मॉलिक्यूल ऐसे चल रहे हैं ऐसे, और ऐसे आकर वॉल पे टकराए यहाँ, और कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होना है, तो इनिशियल मोमेंटम निगेटिव है, कितना निगेटिव है इनिशियल, तो -mv है इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम राइट में टकराने के बाद राइट में जा रहा है, तो फाइनल मोमेंटम +mv हो जाएगा, +mv। तो चेंज इन मोमेंटम, फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम पॉजिटिव और इनिशियल मोमेंटम निगेटिव है, तो फाइनल मोमेंटम देखिए मैंने mv लिख दिया और इनिशियल -mv लिख दिया,
और ये बीच में माइनस क्यों लिखा हूं मैं, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये इक्वेशन देखिए, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो एम वी माइनस माइनस ऑफ एम वी, माइनस ऑफ एम वी क्यों, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम नेगेटिव था लेफ्ट में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस होने के बाद क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस होकर 2mv आ जाता है इसका आंसर। तो 2mv क्या यहाँ पे हो गया, 2mv यहाँ पे हो गया टोटल चेंज इन मोमेंटम। अब टाइम कितना लगेगा, दो कोलिजन के बीच का कितना टाइम है, तो एक कोलिजन मान लीजिए यहाँ हुआ, तो अगली बार वो मॉलिक्यूल कब कोलाइड करेगा, तो उसको l डिस्टेंस इधर ट्रेवल करना पड़ेगा इधर, और फिर इधर l आना पड़ेगा कोलाइड करने के लिए। तो दूसरी बार कोलिजन होने में गैप कितना मिल जाएगा उसको, टाइम कितना मिल जाएगा ये मोमेंटम चेंज होने में, तो डेल्टा टी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू एल अपॉन स्पीड बी एक्स। बी एक्स क्या है, टोटल स्पीड नहीं है, उस मॉलिक्यूल के स्पीड का एक्स कंपोनेंट है, मॉलिक्यूल के स्पीड का क्या है, एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट है तो टाइम लग जाएगा टू एल अपॉन बी एक्स, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। क्लियर हो गया ये। अब फोर्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम हमारा आया 2mv और टाइम आया 2l अपॉन vx, तो 2mv अपॉन 2l अपॉन vx, 2mv अपॉन 2l अपॉन vx। अब इसे सिंपलीफाई करेंगे अगर, तो सिंपलीफाई करते ही आपको ये vx ऊपर vx स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर में l रह जाएगा, तो m बाई एल वी एक्स वन स्क्वायर। नहीं, मैं इसमें आपको टर्म बता दूं कि क्या है ये, m सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, सारे मॉलिक्यूल्स का कुल मिलाकर मास नहीं है, m क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास, और वी एक्स वन क्या है, एक ही एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, कोई भी मॉलिक्यूल जब मूव कर रहा होगा तो उसमें तीन तीन कंपोनेंट होगा, कुछ x कंपोनेंट होगा, कुछ y कंपोनेंट और कुछ z कंपोनेंट होगा, एक्स वाई और जेड तीन तीन कंपोनेंट होंगे उसमें, उसमें से वी एक्स वन हम खाली एक्स डायरेक्शन वाला निकालें कि एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है मॉलिक्यूल का, तो ओनली एक्स डायरेक्शन वाला मुझे मिलेगा। तो वी एक्स वन स्क्वायर मतलब, तो एक मॉलिक्यूल फर्स्ट मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर है एक ये। अब फोर्स मैंने लिख दिया डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो वो आया एम वी एक्स वन स्क्वायर बाई एल। तो सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए Vx2 आता, थर्ड मॉलिक्यूल के लिए Vx3 आता, तो क्या m by l कॉमन आ जाता सब में, m by l कॉमन आता, तो m by l कॉमन ले लिया गया है यहाँ पे m by l, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है Vx1 स्क्वायर, और अगर दूसरे मॉलिक्यूल के लिए करते तो Vx2 स्क्वायर, ऐसे ही nth मॉलिक्यूल के लिए Vxn स्क्वायर। अब दोनों साइड में एरिया से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे प्रेशर फाइंड करना है कि वॉल पे ये कितने प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं वॉल के ऊपर, तो प्रेशर के लिए फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया कर दिया गया है यहाँ, प्रेशर क्या होता है फोर्स बाय एरिया, तो दोनों साइड में डिवाइड करेंगे एरिया से, तो पहले तो इधर एल ऑलरेडी है और एल स्क्वायर से ऑल कर दिया इसको डिवाइड, तो एल क्यू बन गया, ये एल क्यू क्या आ गया इस साइड में, एल क्यू आ गया दूसरे साइड में। अब एल क्यू होने के बाद यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से, तो ये वी एक्स वन स्क्वायर वी एक्स टू स्क्वायर ऐसे ऐड होते गया, तो मैं n से मल्टीप्लाई भी कर दिया और n से डिवाइड भी कर दिया, देखिए n से मैं मल्टीप्लाई भी कर दिया हूँ और डिवाइड, तो ये वाला n और ये m मिलाकर m इंटू एन, यहाँ नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे लिखे हैं m इंटू एन। m क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस कंटेनर ये, और एल क्यू तो डिनोमिनेटर में आ ही गया है इधर से एल क्यू। अब इसका क्या किया है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर वी एक्स टू स्क्वायर प्लस वी एक्स थ्री स्क्वायर, क्या ये स्क्वायर का एवरेज है, सारे मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का स्क्वायर का एवरेज है, एन से डिवाइड कर दिए इसलिए, किसी भी नंबर को ऐड करके और नंबर ऑफ दैट क्वांटिटी अगर डिवाइड करें तो क्या मिलता है एवरेज। तो मैं यहाँ वेलोसिटी का एवरेज नहीं किया हूँ, वेलोसिटी का एवरेज कब होता है, जब वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री डिवाइड बाई एन कर ले, तो वो क्या हो जाता है वेलोसिटी का एवरेज, लेकिन यहाँ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर का एवरेज निकालें, तो वो क्या है मीन स्क्वायर है, स्क्वायर का मीन है राइट, तो उसको क्या बोला जाता है मीन स्क्वायर। तो ये वी एक्स स्क्वायर का एवरेज किया हुआ है,
अब ये तो खाली एक्स कंपोनेंट है ना, टोटल वेलोसिटी अगर वी है किसी भी मॉलिक्यूल में, नेट वेलोसिटी वी है, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या है? 1/3 है, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों में जाने में डायरेक्शन में जाने का इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो अगर वी एक्स को मैं वी से रिप्लेस करना चाहूँ तो क्या मुझे इसको 1/3 लिख देना पड़ेगा? ये क्वांटिटी है क्या? ये 1/3 ऑफ टोटल वेलोसिटी है ना, क्योंकि ये खाली एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी है। तो एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी क्या है? 1/3 ऑफ टोटल वेलोसिटी, तो इसलिए मैंने 1/3 ऑफ वी स्क्वायर लिख दिया है यहाँ एवरेज। अब पी इंटू वी इधर मल्टीप्लाई हो गया, एल क्यू को वी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यूब है इसलिए क्यूब का वॉल्यूम वी होता है। तो पी वी इक्वल टू एम एन 1/3 वी स्क्वायर। अब ये 3 वी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ले जाके, तो 3 PV यहाँ पे अब आ जाइए, यहाँ पे 3 PV अपॉन एन एम, ये एन एम डिनोमिनेटर में था तो इधर लाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एन एम इक्वल टू वी स्क्वायर का एवरेज, वी स्क्वायर का एवरेज। अब रूट दोनों साइड मैंने क्या ले लिया, रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो रूट लेते ही ये 3 PV बाई एन एम आ गया और इधर मीन के स्क्वायर का रूट आया, तो इसका नाम क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर मतलब मीन, देखिए स्क्वायर का, वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन है और उसमें रूट लगाया हुआ है, इसीलिए इसका क्या नाम है? रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? रूट 3 PV बाई एन एम। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m क्या है? सिंगल मॉलिक्यूल का मास, p क्या है? वॉल पे कितना प्रेशर लगा रहा है, और v क्या है? कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, ये v है। अब इसी फॉर्मूला को कभी कभी क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, इसी फॉर्मूला को ये भी पूछ सकता है कि फाइंड प्रेशर, फाइंड फॉर्मूला फॉर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ RMS वेलोसिटी। तब क्या करेंगे, RMS के टर्म में फॉर्मूला प्रेशर का पूछेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे इसी को 3 PV इक्वल टू ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो VRMS का स्क्वायर होगा, ये रूट था ना, रूट राइट साइड में ले जाकर स्क्वायर कर दिए, और अपॉन NM भी है तो ये NM उधर ले जाइए, तो प्रेशर का वैल्यू पता है क्या हो गया? प्रेशर 1/3 हुआ और NM मल्टीप्लाई होगा N इंटू एम, एन इंटू एम में एन क्या है और एम क्या है, एन इंटू एम में एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एम है सिंगल मॉलिक्यूल का मास, और वी आर एम एस का स्क्वायर, तो एन एम हो गया वी आर एम स्क्वायर का, पी और वी से डिवाइड करना है, वी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, 3 से जैसे डिवाइड किए तो वी से भी डिवाइड कर देंगे, तो 1/3 क्या रहा है, 1/3 एन एम अपॉन वी इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर, ये आ रहा है प्रेशर का वैल्यू, मतलब वॉल पे ये इतना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। अब अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि आप इसको डेंसिटी के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए, कि डेंसिटी के टर्म में कितना आ रहा है, राइट, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया कि डेंसिटी के टर्म में मुझे एक्सप्रेस करना पड़े इसको, P इक्वल टू क्या आ गया अभी, 1/3 ऑफ एन एम, एन इंटू एम, एम क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास, तो एन एम क्या होगा, पूरे मॉलिक्यूल का मास होगा, अपॉन वी, और यहाँ वी आर एम एस का स्क्वायर, वी आर एम एस स्क्वायर इतना आया। अब देखिए एन एम अपॉन वी को डेंसिटी लिख सकते हैं आप, क्योंकि एन एम पूरे मॉलिक्यूल का मास हो गया और ये वॉल्यूम हो गया, तो मास भी वॉल्यूम क्या, डेंसिटी होता है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ तक आपको एग्जाम में ऐसे डेरिवेशन करना पड़ेगा, तो मैंने अभी बॉक्स में बंद किया ये, इस फॉर्मूला को याद करना है, ये एग्जाम में आएगा डिराइव करने के लिए, राइट। तो कैसे मैंने डेरिवेशन किया आपको समझ में आ गया होगा, ये खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करना है इसको डिराइव करने के लिए, और नहीं समझ में आने पे हिंट ले सकते हैं ये कैसे मैंने डिराइव किया है। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है, तो वी आर एम एस इक्वल टू हो गया रूट 3 PV बाई एन एम, ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है। अब पीवी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एनआरटी लिख सकते हैं, पीवी इक्वल टू, तो 3 के जगह पर 3 और पीवी को मैंने लिख दिया एनआरटी, यहाँ पे पीवी इक्वल टू हो गया है एनआरटी। अब नीचे एन इंटू एम क्या देगा, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और एम है एक मॉलिक्यूल का मास, तो n इंटू एम क्या देगा, टोटल मॉलिक्यूल का मास दे देगा, टोटल मास,
विच इज गिवन इन अ सैंपल, किसी कंटेनर में टोटल कितने मास है सारे मॉलिक्यूल का मिलाकर, वो चीज है ये। अब n ऊपर नंबर ऑफ मोल था, तो नंबर ऑफ मोल ऑन टोटल मास क्या होगा, क्योंकि PV को nRT लिख दिए और nRT नंबर ऑफ मोल होता है। तो ये फॉर्मूला सबको पता है कि नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करते हैं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास से फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल। तो अगर नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास से फाइंड किया जा रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मतलब ये वाला टर्म क्या होगा मॉलिक्यूलर मास। तो ये नंबर ये इधर लाएंगे तो नंबर ऑफ मोल डिवाइड हो जाएगा इधर आके, यानी गिवन मास बाय n हो जाएगा, गिवन मास बाय n। अब गिवन मास बाय n जहां भी होगा वहां पे मैं मॉलिक्यूलर मास लिख दूंगा। अगर ऑक्सीजन गैस होता तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, तो मॉलिक्यूलर मास इसका 32 होगा। तो ये 32 एक कांस्टेंट नंबर है, यानी मॉलिक्यूलर मास क्या होता है किसी भी गैस का कांस्टेंट होता है। तो ये 3RT एज इट इज रह गया 3RT यहाँ पे, और ये टोटल मास बाई एन था ना जो टोटल मास बाई एन, तो टोटल मास बाई एन यानी गिवन मास बाई एन को क्या लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास, तो इसको मैंने एम लिख दिया मॉलिक्यूलर मास। मतलब रेड से जो मैं ऐसे किया हूं क्लोज, इस टोटल मास बाय एन को क्या लिख दिया जाएगा मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास एक कांस्टेंट होता है किसी भी गैस का। तो एम कांस्टेंट और आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है और थ्री कांस्टेंट है, तो वी आर एम एस प्रोपोर्शनल टू टी आया, एक्चुअली में रूट टी आया, वी आर एम एस प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया रूट टी, राइट, क्लियर हो गया। तो आर एम एस वेलोसिटी रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन में टेम्परेचर लेना है। तो इतना सारा डेरिवेशन ये सब आप माइंड में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंपटीटिव एग्जाम के लिए भी, क्योंकि जेई एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सब डेरिवेशन खुद से एक बार ट्राई करना है डिराइव करने के लिए।